खबर 17 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर हुआ है। 17 लाख रुपए के इनामी समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कई मुठभेड़ में ये नक्सली शामिल थे और इन्होंने लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर इन्होंने हथियार डाले हैं। सुरक्षा बलों के सामने इन्होंने हथियार डाले हैं। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन नीति से प्रभावित होकर आज 5 माओवादी द्वारा सरेंडर किया गया। इन पर कुल 17 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया गया था। इनमें जो एक माओवादी है जो बटालियन PNG बटालियन 1 नंबर में भी कार्यरत था, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित है, और एक माओवादी पामेड़ एरिया के मेडिकल टीम का कमांडर भी था, तो और अन्य 3 माओवादियों पर। बड़ी खबर की बात करेंगे रायपुर से। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया, 3 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार अपना संकल्प पूरा करेगी केंद्र के साथ। राज्य सरकार मजबूती से काम कर रही है और 3 साल में ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। टारगेट तय हो चुका है कि कितने वक्त में क्या काम करना है और इसी के तहत यह बड़ा बयान सामने आया। कि जिनको भ्रमित करके, जिनको बहला फुसला करके अपने साथ रखा गया है, ऐसे 96-95% से ऊपर भी लोग स्थानीय हैं और वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें वो फंसे हुए हैं, उनको निकलना है। इसलिए मैं बार बार आग्रह यही करता हूं कि पुनर्वास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, बस्तर के विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, बस्तर में शांति की स्थापना। रायपुर से बड़ी खबर, लाल गंगा शॉपिंग मॉल में आग लग रही थी और आग लगने से मॉल में धुआं फैल गया था। कारोबारी दुकान छोड़कर बाहर निकला है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि बाद में आग को काबू में कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाल गंगा ये शॉपिंग मॉल है जहां पर आग की वजह से धुआं फैल गया था और दहशत फैल गई थी कि क्या हुआ है, कहां आग लगी है। धुआं फैल गया, इसके बाद दुकानदार बाहर निकल आए और फिर बाद में आग को काबू में कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे दुर्ग से खबर, शराब तस्करों पर शिकंजा कसा गया। अवैध शराब की तस्करी करते हुए 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से अवैध शराब जब्त की गई है। तस्करों का सरगना हालांकि भाग निकला है। छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं कोरबा में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नकेल कसी गई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पुलिस ने नकेल कसते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 3.5 लाख रुपए की सट्टा पट्टी बरामद हुई। 2 बाइक 14 मोबाइल और 5 ATM जब्त किए गए। बैंक खातों से 5 करोड़ के लेन देन की जानकारी भी पुलिस को मिली है। इस तरह जो कोई भी अवैध काम की हमको जानकारी मिलती है उसके ऊपर हमारे द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। आगे भी सट्टा के ऊपर इस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में हमारी साइबर सेल की टीम और CSP दर्री का विशेष योगदान रहा तथा थाना प्रभारी बालको और उनकी टीम का भी योगदान रहा। मैं आपके माध्यम से जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि मुझे और मेरी टीम को इस तरह से जो ज़िले में अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं उसके बारे में जानकारी प्रदाय कर रहे हैं। रायपुर से खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 8 जिलों के लिए, जहां पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका संभावना जताई गई है। बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इसके अलावा जशपुर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर और सरगुजा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालों से